प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की जनता को दो बड़े तोहफे दिए। पहले तो बल्लभगढ़ मेट्रो लाइन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया और दूसरा केएमपी एक्सप्रेसवे यानी वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को जनता के हवाले कर दिया। दिल्ली एनसीआर के लिए यह एक्सप्रेसवे किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। इसके उद्घाटन के बाद न सिर्फ दिल्ली के प्रदूषण में कमी आएगी बल्कि दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर भी रोक लगेगी। हालांकि ये एक्सप्रेसवे साल 2009 में ही बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन किसी वजह से इसका काम रुक गया और लोगों का ये सपना अधूरा रह गया। साल 2014 में पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली और आज ये केएमपी एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। इस एक्सप्रेसवे के बनने में हुई देरी को लेकर पीएम मोदी ने पुरानी यूपीए सरकार पर भी जमकर हमला बोला। इस एक्सप्रेसवे पर 12 साल से काम चल रहा था, वो तस्वीर याद दिलाती है कि एक्सप्रेसवे आपको 8-9 साल पहले ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहले की सरकारों के जो तौर तरीके थे उसने इस एक्सप्रेसवे को पूरा होने में 12 साल लगा दिए। साथियों, इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कॉमनवेल्थ गेम में होना था। जब कॉमनवेल्थ गेम हुई थी तब इस एक्सप्रेसवे का उपयोग होना था, लेकिन कॉमनवेल्थ खेल की जो गति की गई वही कहानी इस एक्सप्रेस के भी सबूत बन गई। पीएम मोदी ने कहा कि पुरानी सरकारों के ढुलमुल काम करने के तरीकों की वजह से ही एक्सप्रेसवे पूरा नहीं हो पाया, जबकि इसे कॉमनवेल्थ गेम से पहले ही तैयार हो जाना चाहिए था। यूपीए सरकार ने इसका हाल भी कॉमनवेल्थ गेम्स के जैसा ही कर दिया। आपको बता दें कि इसका शिलान्यास साल 2014 में तत्कालीन सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। इसके बाद से ये प्रोजेक्ट खटाई में पड़ गया। हालांकि बाद में हरियाणा में 10 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं हो पाया। 5 नवंबर 2015 को पीएम मोदी ने सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट का दोबारा शिलान्यास किया और अब ये बनकर तैयार है।